नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स के बारे में। और इनका रिजल्ट आज डिक्लेयर हो चुका है दोस्तों, तो क्वार्टरली रिजल्ट क्वार्टर टू के क्या रहे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और टाटा कंज्यूमर की लेटेस्ट न्यूज क्या क्या है और इसके ब्रोकरेज हाउसेज ने क्या क्या टारगेट दिए। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो हमने वीडियो में एक एक एंगल से डिफरेंट एनालिसिस चार्ट के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस निकालने की कोशिश करी है। तो दोस्तों चलिए चर्चा करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के रिजल्ट की, एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों एक और चीज ध्यान रखना है आपको कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए चर्चा करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू दोस्तों। तो टाटा कंज्यूमर शेयर की न्यूज यही है दोस्तों कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्वार्टर टू रिजल्ट्स कैन बी अप टू 82% ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट 346 करोड़ का प्रॉफिट इनको हो सकता है अराउंड, और रेवेन्यू जो है इनके अप होंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% के, जो कि 2700 करोड़ के आसपास की उम्मीद जताई जा रही है। और जो दोस्तों अगर आप चार्ट देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, तो अगर सीक्वेंशियली देखिए तो इनके क्या रिजल्ट्स रहे, तो अगर आप देखें तो नेट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार बढ़ती चली जा रही है, टोटल इनकम भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती जा रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है, एबिटा मार्जिन भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों इस बार के भी क्वार्टर में यही उम्मीद है कि रिजल्ट जो है इससे बेहतर ही आएंगे। और अगर हम सितंबर 2019 के क्वार्टर की बात करें तो वहां से लगभग 80% के अपसाइड रिजल्ट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों एक और चीज है कि इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज बाई 14%। सो एक बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। और अब हमें क्या करना चाहिए, क्या एनालिसिस लगाना चाहिए, तभी आप देखा होगा कि दोस्तों आज डिलीवरी परसेंटेज देखिए तो बेहतरीन डिलीवरी परसेंटेज निकल के आई है। अगर आप पिछले कई दिनों का देख रहे हैं तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट और ITC से अगर हम कंपेरिजन करें, तीनों के एक लगभग एक ही FMCG सेक्टर के तीनों शेयर हैं और तीनों ही अच्छी क्वालिटी के शेयर हैं। तो लेकिन अगर आप देखें तो टाटा कंज्यूमर का शेयर जो है 504 का यहाँ पे प्राइस है और करंट प्राइस जो है वो 504 का है यहाँ पे, दिस इज द 504, तो 504 का प्राइस है, 52 वीक लो 213 का है, 52 वीक हाई 591 का है। अगर P/E आप कंपैरिजन करें बाकी शेयरों से तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ITC और इन सब से कंपैरिजन करें तो काफ़ी अच्छा P/E है। टाटा कंज्यूमर का बीटा भी अच्छा है, डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखें तो 44% की डिलीवरी यहां से देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं रिस्क रेशियो भी इनका जो है काफ़ी ठीक ठाक है। तो रिस्क की अगर देखें तो वेरिएबल मार्जिन ज़्यादा होने की वजह से टाटा कंज्यूमर में जो है 40% के यानी अपसाइड मूवमेंट हो सकता है, जिसमें से 20% लगभग वेरिएबल मार्जिन के हैं। डिलीवरी 44% इंडिकेट कर रही है कि डेफिनेटली ये शेयर अब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है और कंसोलिडेट हो चुका है काफ़ी हद तक। तो चलिए दोस्तों चार्ट के माध्यम से देखते हैं क्या है। तो टाटा कंज्यूमर का अगर स्टॉक एनालिसिस करें 3 मंथ के डेटा पर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लगातार वॉल्यूम ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, लगातार यहाँ से शुरू हुई थी, जब आप ग्रीन येलो एरो देखिए तो यहाँ से देखिए 460 के आसपास से चलना शुरू किया और लगभग 513 रुपए के करंट 504 रुपए के प्राइस पे आके खड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप देखिए तो लगभग इसने 40 रुपए का अपसाइड मूवमेंट दिखा दिया, लगभग 10% का अपसाइड मूवमेंट विद इन 10 डेज। तो अभी क्या और भी ऊपर जा सकता है, डेफिनेटली दोस्तों अगर करंट लेवल पे है तो इसको बाई कर लीजिए। और यहाँ से अभी जो ये इसने जो पीक बनाया था 591 का, वहाँ को ब्रीच कर सकता है। और जिस दिन भी ये दोस्तों 514 का लेवल ब्रीच करेगा, यहाँ पे 513.24 यानी 513 का लेवल जिस दिन भी ब्रीच करेगा, इसमें और भी ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट हो सकते हैं। 513 इसको तोड़ना पड़ेगा तभी अप ट्रेंड लगेगा। और दोस्तों RSI 55 इंडिकेट कर रहा है ना ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट मोड है, तो डेफिनेटली दोस्तों करंट लेवल पे बाई किया जा सकता है।
या आप अगर बाई करना तो 490 का भी लेवल चूज कर सकते हैं। 490 के लेवल पे आप बाई करिए और डेफिनेटली वहां से 10-15% के रिटर्न विद इन 1-3 मंथ देखने को मिल सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का शेयर टारगेट प्राइस क्या है? हम लोगों ने बाई की रेटिंग दी है 504 का करंट प्राइस है, 560 का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं 3 मंथ में, लगभग 10% का अपसाइड मूवमेंट, और स्टॉप लॉस आपको 460 का लगाना है जहां से इसने चला था। हमें फॉलो करिए द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं टेलीग्राम ट्विटर और फेसबुक पे। डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए दोस्तों, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है और जो भी चीज़ें ये हम लोग एनालिसिस करते हैं जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पज, और अगर आपको बाई या सेलिंग करना है किसी भी शेयर की तो इसकी खुद के उत्तरदायी आप ही होंगे। थैंक यू दोस्तों।